खबर आ रही है लखनऊ से, जहां सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान एवं सामाजिक चिंतन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पटेल समाज के सभी वर्ग के नेता व पदाधिकारी शामिल हुए। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का गठन जुलाई 2018 को किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कई विश्वविद्यालय के कुलपति, सेना के सेवानिवृत्त जनरल मेजर, IAS PCS अधिकारी, डॉक्टर देवता, सरकारी संस्थाओं के अधिकारी और समाज सेवी जुड़े हैं। इसका उद्देश्य समाज को अपने हितों के प्रति जागरूक करना, समाज की समस्याओं को विभिन्न माध्यमों से सरकार से अवगत कराना है। पूरे राष्ट्र का सीन आपके सामने रखते हैं। 23 प्रदेशों में हमारी अपनी समाज के 29.86 करोड़ लोग पूरे भारत में फैले हुए, सबसे ज्यादा 68% अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र में। इस प्रकार करीब 29.98 करोड़ पूर्वी समाज के लोग 14 से 88 जातियों के रूप में पूरे भारत में बैठे हुए। अभी हाल में ही 4 दिन पहले, और जितना लाभ मिल सके गवर्नमेंट के द्वारा उसका अध्ययन करिए और उद्योग दूसरे लगावे और उद्योग खोलिए। समय बेकार मत जाने दीजिए। सुबह प्रातः काल 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक जितने बजे न सोए चैन से मत बैठिए। सायंकाल अपने परिवार में पहुंचिए, फालतू इधर उधर मत घूमिए। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ यदि घूम सकते हैं और बच्चों को लेकर भोजन कर सकते हैं ठीक 7-8 बजे, और रात में फिर 1-2 घंटा बच्चों के साथ पार्क में बिता सकते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन परिवार के साथ जरूर निकलिए। संडे को किसी को समय मत दीजिए, केवल अपने पत्नी बच्चों के अलावा। यही आप सब से निवेदन है, शाम को घर पहुंचते हैं तो अपने माता पिता का पैर मालिश करके सोइए। यदि माता पिता का मालिश कर सकते हैं तो करना चाहिए। यदि शहर में आप बड़े आदमी हैं, आप शहर में बड़े आदमी बन चुके हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे अधिकारी में हो, अपने गांव आप जाते हैं तो अपने भाई के बीबी को मत चिढ़ाना। यदि आपका भाई किसान है और किसानी करता है, उसकी पत्नी गाँव में रहती है, तो आप लोग 10-10, 20-20 हजार की साड़ियां पहनकर गांव में मत जाइए। या बड़े बड़े अपने बच्चों को महंगा कपड़ा पहनाकर अपने भाई को चिढ़ाने के लिए गांव में मत जाओ। यदि उसको गांव में यदि पैसा कमाते हैं, 1-1.5 लाख रुपया परिवार में गांव में खर्च करना चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। यदि आप कमाते हैं तो साल भर में बाबा और पिता के पुण्यतिथि कुछ हो, 1-2 लाख रुपया अपने गाँव में खर्चा करना चाहिए, यदि पैसा कमाते हैं तो। नहीं कमाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छा काम करो और गांव में अपना कद बढ़ाओ, अपना सम्मान पाओ। आपके गांव में कैसे सम्मान हो और पूरा गांव साल 2